आज ओजोन किचन के आउटलेट पे जैसे कि हम पापड़ की सब्जी जो कस्टमर को बना के देते हैं ना, तो कई बार पैकेट्स वाले जो पापड़ होते हैं उनके अंदर इतना ये जो चूरा है ना ये निकलता है। और फिर मैंने सोचा कि ऐसा तो हमारे घरों में भी होता है कि लास्ट में जब डब्बा खाली होने वाला होता है पापड़ का, तो लास्ट में इतने छोटे छोटे टुकड़े के उसमें चूरा रह जाता है। तो मैं इन सबका क्या करने वाली हूँ, तो वो कैसे करने वाली हूँ, तो साथ में टिप भी दूंगी आपको कि ये इतने छोटे छोटे टुकड़े अगर आपकी चूरी पापड़ की रह जाती है तो आपको उसका किस तरह से यूज लेना है और कैसे। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस के बर्नर को ऑन करके हमें रख देनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में आपको सिर्फ एक बड़ा चम्मच ऑयल डालना है। जी हां, ये है पहला टिप। जो जितने बारीक हमारे पापड़ की चूरी रह जाती है ना टुकड़े, उनको हम जब बहुत सारे ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो वो या तो जल जाते हैं या उसको हमें निकालने में ही परेशानी होती है। तो इसको फ्राई करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि सिर्फ एक बड़ा चम्मच आप ऑयल डालिए और उसके अंदर ये जितना भी चूरी पापड़ की जो रह जाती है कच्चे पापड़ की, उसको आप जितना ऑयल हमने डाला है ना उससे दुगनी आप इसमें पापड़ की चूरी डालिए, और उसको इस तरह उलटते पुलटते हुए जिसमें छोटे बड़े सभी तरह के टुकड़े हमने डाल दिए हैं, और इस तरह से आप उलटते पुलटते हुए इसको फ्राई करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल भी इतना छोटा सा पापड़ का टुकड़ा का भी नुकसान नहीं होगा। और इस तरह से सारे पापड़ों को हमें फ्राई करना है बहुत कम ऑयल में। बहुत ज्यादा पापड़ यानी कि दुगना तुगना पापड़ उसको कढ़ाई में डालते हुए उलटते पुलटते हुए इस तरह फ्राई हो जाएंगे, और आप निकाल दीजिए टिश्यू पेपर पे, और एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है, क्योंकि मैं जिस रेसिपी को बना रही हूँ उसमें एक्स्ट्रा ऑयल की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, मतलब जितना कम हो सके। तो हमने सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है टिश्यू पेपर पे, ये देखिए प्लेट में भी आ गया है। और अब ये भाई पहले मुझे दो तीन टुकड़े खा लेने दीजिए, मजा आ गया ना। इतने छोटे छोटे टुकड़ों का हम क्यों नुकसान करें और किस तरह से यूज लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको मैंने कर दिया एक बाउल में लेके क्रश इस तरह से। अब इस क्रश करके आप इसमें चाहे तो प्याज के टुकड़े, हरी मिर्ची, टमाटर, खीरा, ककड़ी ये सब डाल के चाट बना के भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए। लेकिन मैं किस रेसिपी को आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से मैंने डाल दिया इसमें आधा कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्ची, हल्का सा नमक डालना है क्योंकि नमक ऑलरेडी पापड़ में है, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाला है क्योंकि काली मिर्ची, जीरा सब कुछ पापड़ के अंदर होता है, हमें किसी और एक्स्ट्रा मसाले की जरूरत नहीं है। और अब गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने रख दिया है तवा, और देखिए मैं यहाँ पर दो रोटी के बराबर का एक आटे का डो जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इसको मैं बिल्कुल मेरे इस मीडियम साइज का जो चकला है इस चकले के बराबर मैं इसको बेलने वाली हूँ, और उसके बाद में आप देखिए मैं इसको किस तरह से इसके अंदर फिलिंग करूंगी। हल्का सा घी, ऑयल जो भी आपका मन करे, बटर वो लगा दीजिए इसके अंदर, उसके बाद में स्प्रिंकल कर दीजिए सूखा वाला आटा। उसके बाद में बीच में से हमें कट मारना है, पराठे के बीच में से नीचे की तरफ हमें कट मारना है। 60-40 का रेशियो रखिए, ऊपर का हिस्सा जो है 60% रख लीजिए, थोड़ा तो मामूली सा ज़्यादा रखना है, आप 50-50 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस तरह से हमें 1/4 हिस्से में पूरी फिलिंग को इस तरह से खूब दबा के, फिलिंग जितनी मैंने बनाई है ना वो मैं खूब दबा के इसमें भर के डालने वाली हूँ। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, आपको मैं बताऊंगी बिल्कुल भी पराठा नहीं फटने वाला है। पराठे के नीचे के सिरे को उठा के इस तरह से इसको बंद कर दीजिए, देख रहे हैं ना वीडियो में, बिल्कुल वीडियो को देखकर आप फॉलो कीजिए। उसके बाद में बिल्कुल फिलिंग के साथ में उठा के आप उसको दूसरी साइड में ले जाके उसको इस तरह से पैक कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फटेगा आप विश्वास मानिए। और वहां से जो लास्ट कॉर्नर है उसे उठा के भी इस तरह से हमें पैक कर देना है, हल्के हाथों से दबा दीजिए, चकले पे लगा दीजिए थोड़ा सा सूखा आटा, और इस डो के ऊपर भी हल्का सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया सूखे आटे को, और इस तरह से हमें चारों तरफ से मोटा पतला जो भी जिस तरह से भी एक सार हमें जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं एक सार कर दीजिए, कहीं से मोटा पतला मत रहने दीजिए, बराबर चारों तरफ से इसको बेल लीजिए। तवा गर्म हो चुका है, घी तेल मक्खन जो चाहिए लगाइए, और इसको उलट पलट करते हुए एकदम क्रिस्पी सा है ना इसको बिल्कुल सेक लीजिए, और मैं आपको दिखाऊंगी, प्लीज कहीं में जाइएगा इस पराठे के अंदर की शक्ल देखकर जरूर जाइएगा कि इसकी फीलिंग कितनी यम्मी और कितनी डिलीशियस है। तो बस यहाँ पे देशी घी लगा के हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है, और एकदम कुरकुरा हो जाता है इस तरह के से पराठे, आप किसी भी तरह का पराठे इस तरह से बना सकते हैं। और दही लीजिए, पापड़ की चूरी थोड़ी सी बच गई है वो ग्रीन चटनी, और ये देखिए इसके अंदर की ये फीलिंग, और इतना यम्मी इतना डिलीशियस होता है ना, और एक ही पराठा काफी है नाश्ते में। तो बस फिर से वही चीज बोलूंगी कि अगर रेसिपी दिखने में इतनी सुंदर हो तो किसे भूख न लगे, भाई सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए तो भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। ये देखिए सबसे अच्छी बात इन पराठों की यही है कि जिस चीज के बारे में यानी कि जितनी पापड़ की चूरी हमारे डब्बे में हम सोचते हैं कि ये बेकार है, उसका यूज इस तरह से लीजिए और बनाइए नाश्ता। जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय।